हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एकदम क्रीमी और सॉफ्ट मैंगो आइसक्रीम, जिसे घर में इजीली बनाया जा सकता है। इसके लिए मैंने एक आम लिया है और इसे मैंने छील लिया है और इसे ऐसे कट लगाकर ऐसे काट लेंगे। इससे ये छोटे छोटे क्यूब्स हमारे निकल जाएंगे। इन क्यूब्स को हम कटोरी में अलग से निकाल कर रख देंगे फ्रिज में ठंडे होने के लिए। और बाकी आम को रफली चॉप कर लिया है मैंने, और इस रफली चॉप को हम मिक्सर जार में डालकर इसका एक फाइन पेस्ट यानी प्यूरे बना लेंगे। और ये मेरी प्यूरे बिल्कुल तैयार है, ये देखिए। अब हम इसे ढककर एक साइड पे रख देंगे। अब ये मैंने एक पतीले में आधा लीटर दूध लिया है। आप टोंड या फुल क्रीम कोई भी दूध ले सकते हैं। साथ में मैंने लिया है ये कॉर्नफ्लावर, ये 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर मैंने यूज़ किया है। एक अलग कटोरी में हम आधा कप के करीब दूध निकाल लेंगे और इसमें अपना ये कॉर्नफ्लावर मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप कस्टर्ड पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, और उसमें अगर मैंगो फ्लेवर है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साइड में रख देंगे। इसे हमें अभी दूध में नहीं डालना है। फिर हम अपने दूध को गैस पर उबालकर पकने के लिए रखेंगे और इसे हमें 1/4 पार्ट कम होने तक पकाना है। ये दूध मेरा पक रहा है, इसे 4 मिनट हो गई हैं। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून चीनी डाल दूँगी और इसे हम अच्छे से फिर दोबारा से 3-4 मिनट तक पकाएंगे। ऐसे चलाते हुए, साइडों से उतारते हुए हम इसे पकाएंगे ताकि ये नीचे से जल ना जाए। और इसे पकाते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं और दूध की क्वांटिटी मेरी कम हो गई है, दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर जो कॉर्नफ्लावर हमने दूध में घोल कर रखा था उसे एक बार दोबारा से मिक्स करेंगे और फिर हम अपने इस पूरे दूध में ऐड करेंगे। और इसे भी हम फिर डालने के बाद एकदम लगातार चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना आए। और इसे हमें ऐसे, ये देखिए, दूध हमारा एकदम से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। और इसे ऐसे चलाते हुए ही हमें पकाना है 3 से 4 मिनट तक। ऐसे घुमाते रहेंगे हम इसे, ये देखिए कितना गाढ़ा अभी से होना शुरू हो गया है। और 3-4 मिनट पकाने के बाद ये देखिए खूब अच्छे से मेरा दूध उबल गया है और 4 मिनट मुझे हो गए हैं उबालते हुए, खूब अच्छे से उबल गया। अब मैं इसे ठंडा कर दूंगी। इसे हमें बिल्कुल रूम टेम्परेचर तक लेके आना है। अब ये देखो, जो मैंने मैंगो प्यूरी बनाई थी वो बड़े मिक्सर जार में मैंने ट्रांसफ़र कर ली है और इसमें अपना कॉर्नफ्लावर वाला जो दूध हमने ठंडा कर लिया था उसे इस मिक्सर जार में डाल देंगे। और इसको और क्रीमी बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच मलाई। और इसमें साथ ही ये मैंने 1 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप 2 चम्मच मलाई डाल दें और फिर हम इसे 1 मिनट के लिए मिक्सी को चलाएंगे। और 1 मिनट के बाद ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हमारा आइसक्रीम का बैटर तैयार है। अब इसे हम अपने कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये मैंने एयर टाइट वाला कंटेनर यूज़ किया है। इसे ढक्कन लगाकर हम 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और 4 घंटे के बाद इसे वापस बाहर निकाल कर हम देखेंगे। हमारी ये आइसक्रीम अभी आधी जमी है, पूरी तरह से हमारी आइसक्रीम अभी नहीं जमी है, तो इतने में ही हमें इसे बाहर निकालना है। और अब एक मिक्सर जार में इसे हम दोबारा से डालेंगे और अपने मिक्सर जार में इसे हम आधा मिनट के लिए दोबारा से चलाएँगे। आधे मिनट के बाद ये हमारा तैयार है।
और इसे हम ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रखेंगे, वापस हम इसे अपने कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देंगे। और ये मैंने इसमें डाल दिया है और दोबारा से ढक्कन लगाकर इसे 6-7 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे जमाने के लिए। 6-7 घंटे के बाद अब हमारी ये सॉफ्ट आइसक्रीम तैयार है। इसे हम कटोरी में निकाल कर सर्व करेंगे। ये देखिए कितनी सॉफ्ट हमारी ये आइसक्रीम बनी है। इसे हम कटोरी में निकाल लेंगे और इसके ऊपर अब हम अपने जो मैंगो पीसेस हमने काट कर रखे थे क्यूब्स, वो ऊपर से थोड़े से इसमें पीसेस हम मैंगो के डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें ये कटे हुए पिस्ता और बादाम भी डाल सकते हैं। आप इसे ये देखिए चम्मच से मैं आपको करके दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट। ये छोटा चम्मच है मेरा, बिल्कुल छोटे वाला, और इससे भी कितनी इजीली ये आइसक्रीम मेरी निकल रही है। तो ये कितनी सॉफ्ट बनी है। आप इसे बनाएं और अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।